ध्यान देने योग जरूरी बातें ध्यान से सुने। नंबर वन, जो महिलाएं अपने पीठ सीधी रख कर बैठती है उन्हें कभी भी कमर दर्द नहीं होता और ना ही रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है। नंबर टू, वॉशरूम के अंदर बोलने से बहरेपन की बीमारी हो जाती है। नंबर थ्री, आयुर्वेद के मुताबिक एक गिलास गर्म दूध में एक चम्मच गाय का घी और मिश्री मिलाकर लगातार पीने से मानसिक और दिमागी कमजोरी दूर होती है। नंबर फोर, किडनी एक ऐसा अंग है जिस पर पूरे शरीर की सेहत टिकी हुई है। किडनी में कोई प्रॉब्लम होने पर हमें नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी किडनी के लिए रामबाण होता है। नंबर फाइव, पत्ता गोभी में दूध के बराबर कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। इस कारण जिन लोगों को दूध पीना पसंद नहीं है उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर सिक्स, अजवाइन और काला नमक को बराबर मात्रा में मिलाकर गर्म पानी से लेने पर पेट की गैस में राहत मिलती है। नंबर सेवन, नींद न आने के कारण यदि आप परेशान हैं तो भीगा अखरोट का सेवन करें, इससे अच्छी नींद आने लगेगी। नंबर एट, अगर आपको चक्कर आने लगे तो एक छोटी इलायची को पानी के साथ सेवन करें। नंबर नाइन, अगर आप खाना खाने के बाद पेट फूलने की दिक्कत से परेशान हैं तो एक चम्मच अजवाइन को तवे पर भूनकर एक गिलास पानी में थोड़ा काला नमक डालकर पिए, पेट की दिक्कत जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नंबर टेन, रोजाना भीगी हुई किशमिश खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है जिससे हम बीमारियों से बचे रहते हैं, साथ ही दिल से जुड़ी बीमारी भी नहीं होने देती है। नंबर 11, अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो सरसों के हल्के गर्म तेल से पैरों में मालिश करें, दर्द में राहत मिलेगी। नंबर 12, रोजाना रात को कच्चा दूध चेहरे पर लगाकर सोने से चेहरे पर इतनी चमक आती है कि कभी कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 13, संतरे के छिलके को फेंकने की जगह अगर आप इन्हें सुखाकर जलाते हैं तो मच्छर भाग जाते। नंबर 14, अक्सर भिंडी बनाते वक्त बर्तन में चिपक जाती है। अगर भिंडी बनाते वक्त उसमें थोड़ा दही डाल दिया जाता है तो भिंडी बर्तन में नहीं चिपकेगी। नंबर 15, केले का पेस्ट बनाकर शहद मिलाकर खाने से मुंह की छाले एक से दो दिन में गायब हो जाएंगे। नंबर 16, आटा गूंथते समय थोड़ा सा दूध मिलाकर गूंथते से रोटी या पराठे ज़्यादा मुलायम बनते हैं। नंबर 17, सुबह उठकर हाथ में ठंडा पानी लेकर आंखें खोलकर साफ पानी की छींटे आंखें पर मारे, इससे आंखें तेज होती है और दिमाग को ठंडक मिलती है। नंबर 18, चावल बनाते वक्त इसमें पानी में एक चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू के रस डालने से चावल खिले खिले बनते हैं। नंबर 19, रोजाना एक रसगुल्ला खाने से आँखों में होने वाली जलन और पीलेपन की दिक्कत नहीं होती है। नंबर 20, पुड़िया को बेलकर तलने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दे, इसे फ्राई करते वक्त ज़्यादा तेल नहीं ससेंगे। नंबर 21, दुनिया का सबसे ज़्यादा वजन बढ़ाने वाली सब्जी आलू है। आलू खाने से जितना वजन बढ़ता है उतना पिज्ज़ा बर्गर खाने से भी नहीं बढ़ता। नंबर 22, बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नारियल के तेल में आंवला पाउडर मिलाकर बालों के जड़ों में मसाज करने से बालों की लंबाई दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी। नंबर 23, स्किन पर ग्लो नहीं है तो रात में सोते समय नाभि में बादाम का तेल लगाए आपकी आँखों और दिमाग के विकास के लिए भी उपयोगी है। नंबर 24, खड़े होकर पानी पीने से होने वाली घुटने की दर्द को दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है कि पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। नंबर 25, थोड़े से जीरे को सूखे तवे पर भून ले, फिर उसे पीसकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर खाए, पेट का दर्द गायब हो जाएगा। नंबर 26, अगर पेट में दर्द हो तो पके हुए जामुन का शरबत पीने से पेट का दर्द चला जाएगा। नंबर 27, मुल्तानी मिट्टी से दही और गुलाब जल मिलाकर लगाने से धूप से हुए चेहरे पर कालेपन को दूर करता है।
नंबर 28, दही में काला नमक और भुना जीरा मिलाकर खाने से ना सिर्फ दही का टेस्ट बढ़ता है बल्कि वह भूख भी बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 29, खून को साफ और गाढ़ा होने से बचाने के लिए पसीना बहाना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 30, दिन में 3 बार गर्म पानी पीने की आदत डाल ली जाए तो शरीर को बीमारियों से आसानी से बचाया जा सकता है। नंबर 31, मेकअप करने से 10 मिनट पहले नारियल तेल को हल्की मसाज कर ले, इसका उपयोग से आपका मेकअप जल्दी ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक टिका रहेगा। नंबर 32, सुबह बासी मुँह 2 ग्लास पानी पीने से शरीर के अंदर की गंदगी साफ हो जाती है और साथ ही चेहरे पर अच्छा ग्लो आता है। नंबर 33, केले के मुकाबले काले धब्बे के केले में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है और इसका सेवन करने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 34, सर्दी खांसी होने पर तुलसी के पत्ते से बनी चाय पिए बहुत लाभ होता है और 30 दिन में 1 बार दालचीनी और अदरक की चाय पीने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, कफ की ख़त्म करता है और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। नंबर 35, अगर आप जिम जाते हैं या घर पर रहकर वर्कआउट करते हैं तो मिक्स दाल की खिचड़ी का सेवन जरूर करें क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है जो आपके मसल्स को मजबूत बनाता है। नंबर 36, एलोवेरा का जूस पीने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और जिन लोगों को पथरी की समस्या है उन्हें नारियल पानी पीना चाहिए, ऐसा करने से यूरिन इन्फेक्शन दूर होता है। नंबर 37, अगर कुछ तला हुआ खाने से पेट भारी लगता है तो गर्म पानी में नींबू और काला नमक डालकर पिए, आपको आराम मिलेगा। नंबर 38, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है तो सलाद में चुकंदर ज़्यादा खाए। नंबर 39, हर रोज़ 1 सेब का सेवन करने से कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। नंबर 40, चावल के आटे में दही मिलाकर चेहरे पर स्क्रब करने से चेहरे पर गंदगी साफ होती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स।